एंड फाइनली पहला आएगा कर्सकोट के पास। ओ स्नैक्स को आप देखें दे जिगल करते हुए दिखाए। आह अच्छी कोशिश की गई थी, स्नैक्स को भी वहां पे डैमेज बहुत दिया गया था, बट चलिए वहां पे कामयाबी। इस चीज की मैं बात कर रहा था, देखिए आप हर एंगल से आप ग्रेनेड कर सकते हैं, कहां से कौन आ रहा है आप बिल्कुल अंदाजा लगा नहीं सकते। आप चुके हैं दूसरे ऑफ एंगल से, उनको ट्रेड कर लिया जाएगा, तीन पॉइंट में आता है एंड धीरे गेम आगे जा रहा है फाइल जिगल करने का प्रयास। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि गर्ल्स की स्क्वाड एक्चुअली में आगे है, आप एक बार के लिए देखें तो ये टीम जो बॉयज की है उनके पास 26 है, वहीं पे गर्ल्स की बात करें 31 टोटल फिनिशर्स उनके पास है। क्या एक बार फिर से उनका ही डोमिनेशन हमें देखने को मिला। चलिए ग्रेनेड आया है, बच के रहना पड़ेगा, मुझे लगता नहीं है वहां पे बचे, बट स्काउट एंड श्रीमान दोनों यहाँ पे डाउन, तो नताशा गेमिंग वो भी डाउन, बट स्नैक्स को आप देखें इन्होंने मात्र केवल 5 फिनिशेस निकाले हैं, और मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद वो एमबीपी बन सकते हैं, बट राउच एंड शॉट का बेहतरीन इस्तेमाल उनके द्वारा हमें देखने को मिलता है। ओवेस चलिए डाउन किए जरूर, बट इसी के साथ वो भी डाउन कर दिए जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे स्मैक्स दो जनों से एक साथ फाइट लेंगे, दोनों से 14 14, यहाँ पे 14 फिनिशेस निकाल चुके हैं, काफी करीब है गेम शायद मिल सकता है, एंड जो एमवीपी होंगे उनके ऊपर सबकी नजरें थी वो शायद हो सकते हैं स्नैक्स। आखिरी पॉइंट प्लीज मिल जाएगा।